आज के बाद इधर मत आना, लिपट गई उसके गले से, अब मैं आया करूंगी तुझे मिलने के लिए, अब तुझे मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं आया करूंगी। जो बात कबीर ने पूछी उससे कि एक तरफा प्यार तो नहीं है कहीं, अब इधर एक तरफा दो तरफा की बात चलती है, पता लगा घर वालों को कि सोनी बाज नहीं आ रही, अब तो तैर करके जाती है, उधर तैरना आता नहीं था, कुमारों की लड़की थी, कुमारों की, घर वालों ने कच्चे घड़े रंग करके रख दिए, बगैर पकाए हुए कच्चे घड़े पर तैरती है, चनाव के अंदर लहरें उठ रही हैं। कच्चा घड़ा कचकम आ गया, खुरने लगा, वो लहरों में जीवन दान दे गई, मर के दोनों अमर हो गए। इन लोगों के नाम भाई गुरदास जी ने वाणी में लिखे, ये लोग परमात्मा पा गए। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, साज कहूं सुन लियो सब है जिन प्रेम कियो तिन्हें प्रभु पायो। कोई नाम कमाई करके पा गया, कोई सेवा करके पा गया, कोई हुक्म मान के पा गया, बहुत तरीके, को उसका घर संभाल के पा गया। महाराज को कई कहा करते थे, आप गुरु नानक साहब की बहुत तारीफ करते हो, हमें भी कभी उनके दर्शन कराओ। महाराज कहना जो मर्जी कहो करवा देंगे, कराओ जी। उन्होंने कहना यही मेरी साथ संगत जो है, ये मेरा गुरु नानक है। तो मुझे खुश करना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो? हाँ जी। कहते सात संगत की सेवा करना, सात संगत को पा लेना, मुझे पा जाओगे। सात संगत की सेवा कर लेना, मुझे मेरी सेवा हो जाएगी। तुम इनको खुश कर लेना, तुम्हारा दर्शन दास खुश हो जाएगा। तुम इनसे जी कतराओगे तो दर्शन दास से जी कतराओगे। तुम इनसे दूर भागोगे तो समझो मेरे से दूर भागोगे। इनकी सेवा करना, मेरे घर परवान हो गई। महाराज खुद कहा करते थे, फरमाया करते थे, हे नानक पातशाह मेरे पर कृपा रखना कि संगत के किसी जीव का दिल ना टूट जाए मेरी वजह से। कोई रूठ करके ना चला जाए, इनका रूठना तेरी नाराजगी होगी। तो आज का दिन जो महाराज के जन्मदिन का है, महाराज को धन धन कहो कि उसने हमें आकर के ये कहा कि अपना मूल पहचानो, अपने आप को जानो, अपनी काई अपनी जिल्ब हटाओ, तुम्हें अपनी पहचान हो। दुनिया को छोड़ो, कर्म कांडी बहुत भीड़ लगा करके बैठे हैं, बात वही आगे टिक जाती है, अन्नी नु बोड़ा कड़ी से ना सुने ना उस जीत से, अन्ने बोले लगे ने रब दा रौला पाउण, अन्ने लगे ने मिट्टी डाउण, पता नहीं किदे सिर च पैंदी है, किदे पिंडे ते पैंदी है। इसलिए आप घरों में रहते हो, कहीं रहते हो, या गुरु घर में रहते हो, इसमें फर्क नहीं है, फर्क है धरती की उपजाऊ ताकत का।
बारिश मूसलाधार एक ही है। फसलों में फर्क इसलिए होता है कि जमीन की अपनी औकात क्या है। अब मीना कुमारी क्या कहती है इसके बारे में कि टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात गई, जिसका जितना दामन था उतनी सौगात मिली। जितनी दामन उतनी सौगात। कहते हैं दिल्ली डूब गई पानी से, डेरे में तो एक फुट भी पानी नहीं खड़ा हुआ। क्या ख्याल है? अनंत पर्वत पर चले जो सूखा ही पड़ा सर उसका। मांगते तो हम हैं कि पादे खैर फकीरानू तेरे परे रहन पंडारे। अगली लाइन की है, सिद्धियां कर तकदीरानू तेरे परे रहन पंडारे। वो तो देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। वो तो देता नहीं हारता कभी, हम लेते लेते हार जाते। सुनने से कुछ नहीं होता। पता नहीं टॉपिक ये बाबा जी होंगे या धर्मदास जी। कार के अंदर महाराज यही कहते रहे हमें बैठे थे कि सत्संग नहीं करना, सवाल जवाब सवाल। कहते ये क्या सुनाते हैं उनको, ये क्या सुनते हैं, इनको क्वेश्चन मार्क लगा करके आज भेज दो घर। कि जिस महाराज दर्शनदास जी के आप आगमन दिवस पर आए हो, आपका दर्शनदास जी ये कहता है कि आपकी उन्नति हो, आपकी तरक्की हो, आपकी चढ़ती कला हो, और उसके लिए आपको स्वनिरीक्षण करना पड़ेगा कि हमने पिछले साल से लेके 7 दिसंबर से इस दिसंबर तक साथ क्या खोया क्या पाया, कितनों का दिल तोड़ा, कितनों का जीता, कितनों को लूटा, कितनों का घर भरा, कितनों से प्यार डाला, कितनों से मोह तोड़ा। सर्वेक्षण तो करो। तुम्हारा कहते हैं कि मेरी तरफ से जो जी आवे सो राजी जावे है, मैं कुछ नहीं कहता किसी को, सिर्फ अपना। जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में जमता है, प्रेम प्याला खसम का जय पावे तंदे, उसकी खैरात तब लेना जब बर्तन साफ हो, नहीं तो बर्तन मैला होगा दूध फट जाएगा, ना आपके काम आएगा ना मेरे काम आएगा। और ये सारे संत नहीं तो संतों जैसे नजर आए, साधुओं जैसे नजर आए, नौ दर साधे साध सदाए, इस तरह से नजर आए। अब गुस्से ना नहीं पुड़ के बैठे, वो बैठे थे ना कहीं, एक शेरपुर आया तो फरीदाबाद डेरे तो परे, तो डेरे दियाँ बीबियाँ से दिल्ली दियाँ असामी बैठना ट्रैक्टर ते, उन्होंने ट्रैक्टर भी ना खड़ावे, मैं बह जाओ वड्डे चक्के होंगे ना जगह उत्ते बह गई हाँ करके पेंटे को ट्रैक्टर चलिया किंट पिंट। मैं सुनाओ की होया, कहते और तो कुछ पता नहीं लगा, धरन भी पै गई तो साड़ी कौडी भी डिग गई, आंतड़ियाँ भी हिल गई, तो आज इवें पुट्ठे ज बैठे रेंदे ना, ये ट्रैक्टर के डरे बैठे रेंदे ने, अपने कुकर्मा तो डरते, अपनी ड्यूटी तो डरते, अपने फर्जा तो डरते, महाराज दर्शनदास दे सामने खलोण तो डरते, मारे ऐ पुछ के जो बैठे रेंदे। आग उसके हुक्म में लगती है, मौत उसके हुक्म में आती है, जिंदगी उसके हुक्म में होती है, उसके बगैर कुछ नहीं होता। जिसके हाथ में हमारा जन्म मरण है, दुख और सुख की कहने ने ओदे अलग खारे दे हाथ च होवेगा, क्यों जी? तो आप जिंदे रहो वसदे रहो, रब कृपा रखे थोड़े ते। एक बार सारे जाने भाई एक गल है, अभी तो तुम बधाई देती महाराज तुझे नहीं दिते। दर्शन दरबार।
WZK12A, न्यू महावीर नगर, तिलक नगर, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली 110018, फोन नंबर 011-2599-1154, वेबसाइट www.kantdarshandarbar.org।